हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज मैं बनाने जा रही हूँ जंगली करेलों की सब्जी, जिसको काकोड़ा या कंटोला भी कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस सब्जी है, हल्की सी कड़वी होती है लेकिन करेले जितनी कड़वी नहीं होती। इसको हम छोटे, जब भी आप बनाएं छोटे साइज के लिए इसको, और यहाँ से इसके दोनों एंड्स को काट के थोड़ा सा, और इसके दो पीस कर लें, दो तीन छोटे बड़े के हिसाब से। और इस तरह से अगर आपके पके हुए बीज निकलते हैं इसको, उनको हटा दें, इनको निकाल देंगे हम। बहुत ही हेल्दी सब्जी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, शुगर वालों के लिए, किडनी के लिए, स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है। ये आप इसको गूगल करके देखिए इसको। ये देखिए, दोनों एंड्स को काटेंगे और इस तरह से चार टुकड़े, क्योंकि छोटे हैं हमारे। ये देखिए बिल्कुल बीज इसका कच्चा है, इस तरह से छोटा ही लें इसको तो उसका स्वाद भी ज़्यादा अच्छा आता है। और जिसमें जो बीज इसमें हो, तो उन बीजों को हम, ये देखिए फिर से पके हुए बीज निकले, इनको हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे करेलों को काट लेते हैं। ये देखिए सारे हमने करेले अपने छील लिए हैं, काफ़ी पके हुए निकले हैं तो उसके हमने बीज निकाल दिए हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। एक बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है, और सरसों के तेल को हमने एक बार अच्छे से गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लिया है। इसके अंदर हम ये सारे डाल देते हैं अपने करेले। और 5-7 मिनट के लिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये जंगली करेले कई तरह से बनाए जाते हैं, आज मैं सूखे बना रही हूँ। बहुत स्वाद लगते हैं, आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए एक बार इसको जरूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी सब्जी है। करेलों को 5-7 मिनट भूनने के बाद हमने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। 3 प्याज कटे हुए थे हमारे, और उन प्याजों को भी अब हम करेलों के साथ ही भून लेंगे। करेलों को अच्छे से धोएं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसके अंदर गंदगी पची रहती है। वैसे मैं तो पानी के अंदर भिगो के रख देती हूँ उसको आधा घंटा, तो जो भी इसके कांटों के बीच में छोटी छोटी मिट्टी वगैरह होती है वो सारी अच्छे से उगल जाती है। फिर उसको 2-3 पानी धो के फिर उसको आप थोड़ा पानी सुखा के बनाएं, तो बिल्कुल भी मिट्टी भी नहीं रहेगी। इसके साथ ही हम डाल देते हैं 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ। सौंफ का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। प्याज भी थोड़े से ब्राउन हो जाए हमारे, तो तब तक हम भून लेते हैं। देखिए प्याज भी हमारा भून गया है, और देखिए करेले भी हमारे थोड़े थोड़े कुक हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है इनका। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़े सूखे मसाले, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची और 1 चम्मच धनिया पाउडर। मिक्स कर लेते हैं, आंच को धीमा कर देते हैं। एक हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची। मिर्च मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मुझे इसमें सौंफ का फ्लेवर पसंद है, आप राई, जीरा, जो भी आपको पसंद हो डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। मिक्स कर लेते हैं। अब इसको 5-7 मिनट के लिए ढककर इसको कुक कर लेते हैं, और बीच में देख भी लेंगे एक बार। ये देखिए सब्जी को बनते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं, मैंने बीच में एक बार इसको हिला भी लिया था। देखिए बहुत बढ़िया से गल गए हैं हमारे ये करेले, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है। 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं। देखिए बढ़िया सी हमारी, बहुत ही कम मिर्च मसालों के अंदर सब्जी बन गई है। ये देखिए बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस हमारी जंगली करेलों की सब्जी बन के तैयार है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसके हेल्थ बेनिफिट्स उठाएं। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, खुश रहिए।